चौरी चौरा पुलिस व जगहा पुलिस की संयुक्त टीम ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जगहा थाना क्षेत्र के सेना में नियुक्त जवान धनंजय यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी राधोपट्टी पटरी थाना जगहा जनपद गोरखपुर के मृत्यु पूर्व में सिक्किम में हो जाने के बाद उसका शव गाँव राधोपट्टी पडरी में लाए जाने के उपरांत उपद्रवियों द्वारा अनावश्यक रूप से थाना चौरी चौरा के भोपा बाजार में रोड जाम करके धरना प्रदर्शन व ईंट पत्थर प्रशासन के ऊपर चलाया गया तथा सार्वजनिक संपत्ति व वाहन क्षतिग्रस्त व नष्ट किया गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया था, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको देखते हुए 27 मार्च को 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा 29 मार्च को इस संबंध में 4 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर नई बाजार ब्लॉक मोड़ से गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान रोहित यादव पुत्र वेद प्रकाश यादव निवासी गुप्लापुर थाना जगहा जनपद गोरखपुर, दूसरा सुधांशु तिवारी पुत्र संजय तिवारी निवासी राधोपट्टी पटरी थाना टोला थाना जगहा जनपद गोरखपुर, तीसरा मनीष तिवारी पुत्र मकरध्वज तिवारी निवासी राधोपट्टी पटरी तिवारी टोला थाना जगहा जनपद गोरखपुर, चौथा रवि प्रकाश त्रिपाठी पुत्र भगवान दत्त त्रिपाठी निवासी राधोपट्टी पटरी तिवारी टोला थाना जगहा के रूप में हुई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में चौरी चौरा के वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोज कुमार यादव, जगहा थाना के वरिष्ठ उपनिरीक्षक देवी शंकर पांडे, उपनिरीक्षक मदन मोहन मिश्रा, अवधेश पांडे, आलोक सिंह, सुनील कुमार यादव, जितेंद्र यादव, प्रतीप कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार दुबे, शुभम श्रीवास्तव, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार राय, बालेंद्र प्रसाद, विकास कुमार सिंह, सूरज सिंह, पीयूष सिंह, गोविंदा गौड़, संजय कुमार मौर्य, बलवंत सिंह, प्रेम कुमार उपाध्याय, महिला कांस्टेबल प्रेम शीला पाल, गीतांजलि सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, शाम में भोपा बाजार पे जो घटना हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 97/22 है, धारा 147, 148, 149, 332, 333, 353, 307, 427, 336, 436, 290, 291, 120B, 188 और 7C और 3/4 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम, इसके तहत गिरफ्तारी की जा रही है। जो भी उस दिन हुआ था उसमें CCTV फुटेज में सब कुछ कैद हुआ था, उनको चिन्हित करके हम लोग गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज 12:15 पे ये 4 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। रोहित यादव हैं, सुधांशु तिवारी, मनीष तिवारी और रवि प्रकाश, इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जो भी ड्रोन से CCTV कैमरे से सबसे हमने फुटेज ली थी, सबको पहले वार्न भी किया गया था कि इस तरह से अगर आप कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे या लोक व्यवस्था को भंग करने का प्रयत्न करेंगे तो कार्रवाई होगी, उसी क्रम में यह कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इन पे इनाम भी घोषित है और उन सबकी भी तलाश की जा रही है। इसमें नामजद जो भी हमको मिले थे और जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, आइडेंटिफाई अभी किया भी जा रहा है, उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा।